सांसद राहुल गांधी के खिलाफ न्यायालय में 2 वर्ष की सजा सुनाई गई, जिसके बाद लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। इसके विरोध में कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश के आह्वान पर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रविवार को रीवा कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में विवेकानंद पार्क में सत्याग्रह शुरू किया गया। आयोजक सत्याग्रह के संबंध में कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हम सभी को मिलकर लोकतंत्र की रक्षा करनी है। आगामी राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम और सुनते हैं राजेंद्र शर्मा ने क्या अपील की। वंदे भारत न्यूज लाइव, राजीव तिवारी, रीवा। आज आप लोग यहाँ धरना सत्याग्रह में बैठे हुए, क्या क्या मांगे हैं? आज के धरने में कांग्रेस पार्टी बैठी है, ये तो जग जाहिर है कि मोदी जी तानाशाही तरीके से पूरे लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं को ख़त्म कर